हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम खेलने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगस। तो ये जो है एक ओपन वर्ल्ड गेम है और हम जो है इसमें गैंगस्टर है। और पीछे जो है मेरी गाड़ी मस्टैंग खड़ी है और इधर पीछे का व्यू देखो, हम जो है इस पूरी सिटी के क्रिमिनल है। इस गेम का यही कंसेप्ट है, जो हम इस सिटी के पूरे क्रिमिनल है। और अब मैंने किसी की गाड़ी चोर दी, वो भी मस्टैंग थी, वैसे भी कहीं खड़ी भी थी, तो मैंने इसे जो है चोर लिया। तो अब जो है मैं इसमें पता नहीं क्या करूँगा, मगर इधर जाके मैं पुलिस वाले को ज़रूर परेशान करूँगा। हम गाड़ी में बैठते हैं, मगर गाड़ी में बैठने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। और बैठते हैं पहले इस गाड़ी में। गाड़ी तो एकदम तगड़ी है और मैं चलते चलते आप लोगों को आज का मिशन भी बताता हूँ। तो आज जो है मैं यहाँ पे पुलिस वाले को तो परेशान करूंगा ही, लेकिन इसमें मिशन भी कंप्लीट करूंगा जो इसमें मिशन होंगे। और चलते हैं यहाँ से पहले उस सिटी में, मैं इतनी दूर आया था भाई एक इंट्रो करने के लिए। इस गाड़ी में जो है मस्टैंग में एग्जॉस्ट ही नहीं है, मतलब बिना एग्जॉस्ट के मस्टैंग मस्टैंग थोड़ी ना लगती है। इस गेम में एग्जॉस्ट ही नहीं डाल रखे, इसमें जो है लैम्बोर्गिनी भी थी और इसमें जो है इन्होंने एग्जॉस्ट भी नहीं डाल रखे, मस्टैंग भी नहीं डाल रखी। बिना एग्जॉस्ट के मज़ा ही कहाँ आता है गाड़ी चलाने का। अब जो है इस सिटी में पहुँच गए, इसके पास देखो ब्लू कलर की मस्टैंग है और ठोक दी मैंने, आते ही ठोक दी। देखो इधर पे जो है हमारे ये किंग कार है, इधर पे जाना पड़ेगा और ये जो है हमें कोई यहाँ पे मिशन देगा। इधर से ओपन करते हैं। अबे फिर क्यों बैठ गया ये? तो शायद हमें जो है मिशन करने के लिए उधर पे जाना पड़ेगा। उधर पे भी ऐसे पता नहीं किंग टाइप का बना हुआ था, जैसे जो चेस में बना रहता है। अब चलते हैं उधर पे अपनी मस्टैंग लेके। वैसे अपने निया चोरी की है लेकिन अपनी मानी जाएगी। पहले तो इस बंदे को भी उड़ाता हूँ, बीच में आ रहा है भयंकर, इसको एक मारूंगा मर जाएगा वो। अब तो मर भी गया होगा। और इसमें अचानक से ऐसी सुबह हो जाती है भाई, लेकिन ग्राफिक्स एकदम बढ़िया हैं इसके। तो चलो अब मैं जो है इसकी टॉप स्पीड भी देखता हूँ। वैसे इसकी टॉप स्पीड कम है, उससे ज़्यादा स्पीड की तो लैम्बोर्गिनी है, वो इससे भी तगड़ी भागती है मस्टैंग से भी। अबे ठोक दी मैंने, बातें करते करते मैं ठोक ही देता हूँ। ये तो मैंने नहीं देखा था भाई, ये वाला कुछ नया। इधर पर शायद मॉल खुला है, ये मॉल में भी चलेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है यहाँ पे मॉल में कुछ खरीदने के लिए भी। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, जो है हमारी फाइट हो गई। और इससे जो है मेरे को डॉलर तो नहीं कह सकते, पता नहीं इस गेम की करेंसी कौन सी होगी जो इस गेम में करेंसी चलती है। इसमें पता नहीं है भाई, वरना क्या बोल रही थी, मेरे को तो नहीं पता चला। और मस्टैंग है, शायद हमें इधर से भागना पड़ेगा। मीट द ईमैन। ईमैन कौन है इस मैप? अच्छा ये है ईमैन। अबे हमें इसे पकड़ने जाना होगा ईमैन को, चलते हैं उसे पकड़ने। और मैं पता नहीं भाई कैसे भाग रहा हूँ। अबे वो कितना तेज भाग रहा है भाई ईमैन। अच्छा ये कोई ड्रैगन टीम है और हमें जो है यहाँ पे ड्रैगन टीम को मारना पड़ेगा। दो पार्टनर भागे। अब ये स्टोरी सुन के कोई फायदा नहीं है, आगे चलते हैं, उसे पकड़ना पड़ेगा। अभी ये ईमैन तो पकड़ लेगा, उस टाइम तो फास्ट भाग रहा था। अबे जो मेरा करेक्टर है भाई वो कितना धीरे भाग रहा है। कोई गाड़ी भी नहीं ले सकते क्या हम? कोई गाड़ी रुक गई तो गाड़ी पे जाके उसे पकड़ लूंगा, वो भी थक गया। अभी वो इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया, और इस बिल्डिंग के ऊपर तो हम ही अभी बात कर रहे थे, हमें भी चढ़ना पड़ेगा। अबे हम भी चढ़ जाएंगे। अबे ऐसे वो कितने ऊपर गया और मैं इधर, वो रहा वो भी थक रखा है, उसे पकड़ने जाना पड़ेगा। अबे यहाँ पे पुलिस क्यों आ रखी? अब मारना पड़ेगा ना, ईमैन ने भी पकड़ लिया और मैंने भी पकड़ लिया। मार दिया चलो मैंने उसे। अबे बस इतना इजी था इसे मारना और मिशन कंप्लीट भाई।
खाली उसी बंदे को मारना था हमने। तो गाइस ये जो है ये बाइक देखो भाई कितनी तगड़ी है, मैं सोच रहा था यहाँ से और निकलना पड़ेगा, पुलिस आ जाएगी ये तो मेरे को पता ही था। मतलब इतनी तगड़ी बाइक है, चुरानी थी और मैंने अटका दी कहीं ना कहीं। भाई मैं तो 8:23 से ठोकने लग गया, अभी पुलिस नहीं आ रही भाई, वो तो एकदम पूरी आर्मी आ रही है मेरे पीछे, और इन्हें भगाता हूँ मैं डेजर्ट में, और डेजर्ट तो ये मेरे पीछे पड़ेंगे नहीं। बाइक तो एकदम तगड़ी है, मेरे को तो लगता है मैं ठोक ही दूंगा भाई इसे। अबे वो रही दोनों, आर्मी की गाड़ी है और पकड़ भी नहीं पा रही मेरे को, अबे मेरे पे मार रही है, मेरे को लगता है मैं मर ही जाऊंगा शायद। अब यहाँ अंडरग्राउंड चलते हैं, अंडरग्राउंड तो नहीं पकड़ पाएंगे, और मैंने कहाँ कूदा दिए। अबे आ गए वो, मेरे ऊपर चढ़ा दी लेकिन नहीं चढ़ा पाए, आराम से निकल गया मैं तो। अब इन पुलिस वालों को और इन आर्मी वालों को चकराना बेटा बहुत मुश्किल है। ड्रिफ्ट तो एकदम तगड़ी है भाई बाइक की, मैं तो यहाँ पे ले आया हूँ, यहीं पे छुपा देता हूँ मैं बाइक को, वैसे भी कोई नहीं देख पाएगा। और बाइक देखो भाई कितनी तगड़ी है, शायद मैं इसे बेच भी सकता हूँ, मगर बेचने का मेरे को नहीं पता। एक तो वीआईपी बाइक है। चलो आर्मी वाले और पुलिस वाले तो निकल गए इधर पे से, अब ये बाइक तो मेरी हो गई, बार इसे बेच के देखते हैं कितनी कितने डॉलर मिलेंगे। डॉलर कहते होंगे पता नहीं इसमें क्या कहते होंगे। इधर पे अब जब बाइक चुराई है इधर पे फायदा भी उठाते हैं, अभी देखना मैं क्या करता हूँ। ये जा रही हैं दो लड़ियाँ, अभी तो बाइक से डर गई पहले तो। बाइक वैसे 2 सीटर नहीं है, तब तो इसे मार ही देता हूँ, अबे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई ने, इतनी महंगी बाइक है। क्या पता जो पीछे जा रही उसे उसे देखते हैं भयंकर, उसे पड़ेगा ना फर्क। अबे वो खुद गिर गई इसकी आवाज से, चलो उठने का वेट करते हैं क्योंकि इतनी महंगी बाइक देख के तो भाई कोई भी गिरेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले तो इसे बंदूक से मारता हूँ फिर। जब भयंकर फर्क ही नहीं है तो इन्हें बंदूक से ही मारता हूँ, और वो जो है मैंने उसको मार दिया। जब इन्हें फर्क नहीं पड़ता भयंकर इस बाइक से, एक तो इतनी महंगी बाइक, और वो भी खरीदी नहीं चोरी की हो भले ही कोई बात नहीं लेकिन महंगी तो है। तो चलो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और ये देखो एक और जो है मैंने मस्टैंग चुरा ली थी किसी की भी, ब्लैक कलर की है वाली, और जो पिछली बार थी वो जो है ग्रीन कलर की थी। और चलो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड, मगर उससे पहले मैं इन दोनों को मारता हूँ। तो चलो अब मैं जो है इनको ऐसे ही मारता रहूंगा, और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और तब तक के लिए गुड बाय।